महाराष्ट्र का सियासी प्रकरण जिस तरफ जाता दिख रहा है वो उद्धव ठाकरे के लिए तो निश्चित तौर पर संतोष करने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उथल पुथल ने उद्धव ठाकरे के मन में भी उथल पुथल पैदा कर दी, क्योंकि अब जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में है उन्होंने तो उद्धव को अपना नेता मानने से ही इनकार कर दिया है। शिवसेना के सभी 37 बागी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को पत्र लिख दिया है। पत्र के जरिए इन 37 विधायकों ने घोषणा कर दी है कि एकनाथ शिंदे सदन में उनके नेता होंगे। डिप्टी स्पीकर को भेजे गए इस पत्र में शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। बागी विधायकों की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले हुई बैठक में जारी किए गए पत्र में 30 विधायकों के हस्ताक्षर थे और शिवसेना के ही बागी हुए इन विधायकों में से 3 विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी कैडर और नेताओं को भाजपा शासित केंद्र सरकार विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है। शिंदे गुट की तरफ से बुधवार को जारी किए गए 1 मिनट के वीडियो में विधायक एक साथ बैठे बातचीत करते और हंसते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ओवाला माजीवाड़ा से शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाई काफी मुखर और सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जो भी इस बागी गुट के खिलाफ है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। सरनाइक वही है जो 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं। प्रताप सरनाइक ही शिवसेना के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी से गठबंधन करने को कहा था। 9 जून 2021 को सरनाइक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के उत्पीड़न से शिवसेना नेताओं को बचाने के लिए आप बीजेपी से गठबंधन कर लें। इसके साथ ही कांग्रेस और एनसीपी पर सरनाइक ने आरोप भी लगाया था कि दोनों विपक्षी विचारधारा की पार्टियां राज्य में शिवसेना के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। प्रताप सरनाइक के अलावा शिंदे गुट में ही शामिल और विधायक हैं यामिनी जाधव, जिनके पति यशवंत जाधव जो कि बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं वो भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी की तरफ से उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया है। वहीं टैक्स चोरी के आरोप में यशवंत जाधव के मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट के साथ करीब 40 संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। तो प्रताप सरनाइक और शिवसेना की विधायक यामिनी जाधव के पति यशवंत जाधव के अलावा एक और नेता हैं जो ईडी की कार्रवाई का सामना कर रही हैं। नाम है भावना गबली, शिवसेना की सांसद हैं। उन्होंने भी विद्रोही गुट का समर्थन किया है। उनकी तरफ से सोमवार को सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि शिंदे समूह द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करना चाहिए। गबली अभी वर्तमान में एक एनजीओ में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रही हैं, जिसे वो अपनी मां के साथ चलाती हैं। उनके करीबी सहयोगी सईद खान को ईडी ने गिरफ्तार भी किया है। ईडी की तरफ से खान के 3.75 करोड़ रुपए के कार्यालय भवन को भी कुर्क किया गया है। ये सभी नेता चाहते हैं कि शिवसेना में तो रहें, लेकिन शिवसेना अपनी विचारधारा से अलग वाली एनसीपी और कांग्रेस को छोड़कर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले। अकोला से शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये सभी लोग महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार चाहते हैं। एकनाथ शिंदे तो इसके लिए उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भी भेज चुके हैं। सीएम उद्धव ठाकरे को भेजे गए अपने 3 सूत्रीय प्रस्ताव में एकनाथ शिंदे ने लिखा, पहला महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए, दूसरा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तीसरा मुझे उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। हालांकि अब तक इन शर्तों पर तो मंथन ही चल रहा है, कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। बस इतना जरूर है कि ये 37 के 37 विधायक पक्के तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं और मान लीजिए कि पूरी तरह से शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बगावत कर चुके हैं। अब तय उद्धव ठाकरे को करना है कि उन्हें अपने साथ अपने नेता चाहिए या फिर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन। वैसे आपको क्या लगता है, क्या झुक जाएंगे उद्धव ठाकरे, तोड़ देंगे अपना महाविकास अघाड़ी का गठबंधन या फिर कर लेंगे बीजेपी से गठबंधन? उसके बाद ईडी का सामना कर रहे शिवसेना नेताओं की परेशानी का निकल आएगा हल? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।